यार आज मैं वेस्ट इंडीज के खिलाफ हमारी ओडीआई प्लेइंग 11 क्या हो सकती है इसके बारे में बात करने वाला हूँ। लेकिन सही बता रहा हूँ, वेस्ट इंडीज से ना मुझे अब बिल्कुल भी उम्मीदें नहीं है। मतलब यार ये लोग नीदरलैंड से हार गए हैं, यार जिस तरह का इनका परफॉर्मेंस रहा है मुझे नहीं लगता कि ये लोग हमें हरा पाने वाले हैं। लेट्स सी ये लोग कैसा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि हमारी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है यार कि हम प्लेइंग 11 बनाए करके। चलो बिना देरी किए प्लेइंग 11 पे बात करते हैं। अब देखो ओपनिंग के लिए कौन होगा, ये काइंड ऑफ बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस है। रोहित शर्मा और शुभमन गिल यहाँ पर को ओपनिंग करने वाले हैं। रोहित शर्मा इस टीम के कैप्टन भी हैं, लेकिन जो उनकी फॉर्म है वो कुछ खास रही नहीं है। तो मैं होप करता हूँ इस वेस्ट इंडीज सीरीज में रोहित शर्मा मतलब यार बहुत ज्यादा रन बनाए, क्योंकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस हमें चाहिए यार। ओडीआई वर्ल्ड कप आ रहा है तो रोहित शर्मा का फॉर्म में आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। शुभमन गिल के बारे में तो ज्यादा बात करने जैसा कुछ है नहीं, इस साल उसने सबसे ज्यादा रन बना रखे हैं। तो ओपनिंग के लिए यार रोहित शर्मा और शुभमन गिल हो गए। नंबर 3 पे ऑब्वियसली विराट कोहली आने वाले हैं। नंबर 4 पे यहाँ पर कोई थोड़ा सा कंपटीशन हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि स्पॉट पे सूर्य कुमार यादव आने वाले हैं, क्योंकि यार वो बहुत टाइम से स्पॉट पे बैकअप के रूप में बने हुए थे। तो कोई भी जो यंग प्लेयर्स आएगा उसका जो नंबर है वो सूर्य कुमार यादव के बाद में ही आने वाला है। और किस प्लेयर की मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों को पता ही होगा, ऋतुराज गायकवाड़ की। मैं भी इस बंदे को मतलब यार खेलते हुए देखना चाहता हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है कि ऋतुराज गायकवाड़ को शायद बाहर बैठना पड़ सकता है, क्योंकि टीम मैनेजमेंट तो यार सूर्य कुमार यादव को यहाँ पे को प्रेफर करने वाली है। अब जो अगला स्पॉट है यहाँ पर कोई एक विकेट कीपर आना ही है, या तो मतलब यार ईशान किशन आएगा या फिर संजू सैमसन को आएगा। अब इन दोनों में से ना कोई भी हो सकते हैं। यहाँ पर को प्योरली मैं अपना मतलब यार फेवरेट चुन रहा हूँ, मैं चुन रहा हूँ संजू सैमसन के साथ। उसका मैं आपको बहुत ही अच्छा रीजन भी देता हूँ। देखो मतलब ये जो स्पॉट है ना, यहाँ पे को केएल राहुल बैटिंग करता था, और आपने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो सीरीज हुई थी वहां पर को देखा ही होगा, टीम इंडिया का जो टॉप ऑर्डर है वो कुछ खास कर नहीं पा रहा था। तो ये जो प्लेस है ना वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, और मुझे लगता है कि संजू सैमसन एक फिनिशिंग के साथ साथ बहुत ही मतलब यार रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेल सकते हैं। ईशान किशन में मुझे ये चीज नहीं दिखती है, वो बंदा मुझे मतलब यार मारने वाला प्लेयर लगता है। उसका जो फुट मूवमेंट है वो मुझे कुछ खास लगा नहीं, प्लस यार वो स्ट्राइक भी रोटेट नहीं करता है। तो इस वजह से मैं संजू सैमसन के साथ जा रहा हूँ। आप लोग डेफिनेटली मतलब यार ईशान किशन के साथ जा सकते हो। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर को मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी टक्कर हो सकती है। लेट्स सी मतलब यार किसे खिलाते हैं नंबर 5 के स्पॉट पे ये लोग। अब जो नंबर 6 का स्पॉट है ना, यहाँ पर को तो ऑब्वियसली हार्दिक पंड्या आने वाला है। इस बंदे का तो कोई बैकअप भी नहीं है, तो यहाँ पर को तो प्योरली मतलब यार हार्दिक पंड्या आने वाले हैं। अब जो नंबर 7 का स्पॉट है ना, यहाँ पर को मैं चुन रहा हूँ रविंद्र जडेजा को, क्योंकि यार उनकी जो फॉर्म है वो बहुत ही ज्यादा कमाल की रही थी। विकेट्स उन्होंने लिए ही है, रन उन्होंने बनाए ही है। यहाँ पर को भी मतलब यार इनकी जो टक्कर है वो अक्षर पटेल के साथ है, लेकिन मुझे लगता है टीम मैनेजमेंट वाले रविंद्र जडेजा के साथ ही जाएंगे। यहाँ पर को मतलब यार अक्षर पटेल एक बार फिर अनफॉर्चुनेट होने वाला है। अब जो नंबर 8 का स्पॉट है, यहाँ पर को मतलब यार दो प्लेयर आ सकते हैं, एक तो है शार्दुल ठाकुर और दूसरा जो प्लेयर है वो है अक्षर पटेल। अब डिपेंड करता है टीम इंडिया वाले 3 स्पिनर के साथ जाना पसंद करते हैं या फिर 2 स्पिनर खिलाना चाहते हैं। अगर टीम वाले 3 स्पिनर के साथ उतरना पसंद करेंगे तो यार अक्षर पटेल यहाँ पर को आ सकते हैं, लेकिन अगर मतलब यार टीम इंडिया वाले फास्ट बॉलर्स को ज्यादा खिलाना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि शार्दुल ठाकुर यहाँ पर को अपनी जगह बना लेने वाले हैं। इसलिए मैं मतलब यार नंबर 8 के स्पॉट पे शार्दुल ठाकुर के साथ जा रहा हूँ। आप लोग डेफिनेटली यार अगर अक्षर पटेल को रखना चाहते हो तो डेफिनेटली उसे रख सकते हो। अब नंबर 9 के स्पॉट पे मैंने रखा है कुलदीप यादव को। यहाँ पर कोई बंदा मतलब यार मुझे लगता है कि सबसे ऊपर है। युजवेंद्र चहल मुझे लगता है कि बाहर बैठने वाले हैं, क्योंकि यार कुलदीप यादव ने जो भी ओडीआई में इसे मौका मिला था उसने बहुत ही कमाल का प्रदर्शन किया था, तो मुझे लगता है इस बंदे को प्रेफरेंस मिलने वाली है। तो ये हो गए नंबर 9 तक के हमारे प्लेयर्स। अब जो लास्ट के 2 स्पॉट है, यहाँ पर को मोहम्मद सिराज तो फिक्स है, डेफिनेटली मोहम्मद सिराज यहाँ पर को खेलने वाले, लेकिन जो लास्ट प्लेयर है ना वहां पर को मुझे लगता है कि थोड़ा सा कंपटीशन हमें देखने को मिल सकता है। जयदेव उनटकट हो गया, उमरान मलिक हो गया या फिर मुकेश कुमार हो गया, इन तीनों के बीच में मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा कंपटीशन है। मुकेश कुमार ने मतलब यार आईपीएल में बहुत ही कमाल की यॉर्कर्स डाली थी, तो क्या पता टीम इंडिया वाले उसकी तरफ देखें। उमरान मलिक के पास स्पीड है, बहुत से लोग चाहते हैं कि उस बंदे को मतलब यार टीम में मौका मिले, क्योंकि जो उसकी एक्स्ट्रा पेस है वो डेफिनेटली मतलब यार अपोजिशन के मन में थोड़ा सा मतलब यार फियर जनरेट कर सकती है। और जो तीसरा प्लेयर है जयदेव उनटकट, ये लेफ्ट हैंडर है, इसके पास वेरिएशन भी है, लंबा भी है, बहुत टाइम से टीम इंडिया के साथ है। तो इन तीनों में से किसी एक को चुनना बहुत ही ज्यादा टफ टास्क था, लेकिन मैं जा रहा हूँ जयदेव उनटकट के साथ। क्यों? क्योंकि यार ये वेरिएशन लेके आता है, एक लेफ्ट हैंडर मुझे लगता है कि हमारी बोलिंग में होना ही चाहिए। तो ये मेरी प्लेइंग 11 है जहां पर को मैंने मतलब यार अपनी प्लेइंग 11 बना रखी है। आप लोग अपने नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। तो आज की वीडियो बस इतनी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।